लीबिया का एक ऐसा लीडर जिसने अपनी जनता को फ्री में घर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटी तक प्रोवाइड करी थी। यहाँ तक कि लीबिया की जनता उसे एक मसीहा की तरह मानती थी। लेकिन फिर भी क्यों दुनिया भर में लोग इस लीडर को एक खतरनाक रूलर की तरह देखते थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लीबिया के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी की, जिनसे अमेरिका तक घबराता था। तो आखिरकार कौन थे मुअम्मर गद्दाफी, और क्या सच में गद्दाफी के पास पूरी की पूरी आर्मी सिर्फ औरतों की थी? और तो और, गद्दाफी को मरवाने के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये तक माना था कि गद्दाफी को मरवाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेरर मुअम्मर गद्दाफी, लेड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। लिबियन पीपल नाउ हैव अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। डैशिंग फिगर हु क्विकली क्रिएटेड अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, ड्रेस्ड इन फ्लैशी आउटफिट्स दैट बॉर्डर्ड ऑन कॉस्ट्यूम। He surrounded himself with a phalanx of heavily armed women known as the Amazonian Guard. मुअम्मर गद्दाफी का जन्म साल 1942 में लीबिया के एक काफी गरीब बेडोइन अरब फैमिली में होता है। उस टाइम पर लीबिया में इटली का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद लीबिया का कंट्रोल ब्रिटेन के पास चला जाता है। और फाइनली एयर 1951 में यूएन की जनरल असेंबली के बाद ही लीबिया को इंडिपेंडेंस मिलती है और इदरीस लीबिया के मोनार्क बनते हैं, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करके सारी पावर को अपने अंडर ही रखते हैं। साल 1963 के आसपास गद्दाफी लीबिया की मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। ये वही टाइम था जब इजराइल और दूसरी अरब कंट्रीज के बीच जंग छिड़ी थी, और इजराइल इस वॉर को जीत भी गया था। इस हार के बाद लीबिया के लोगों को इदरीस की गवर्नमेंट से भरोसा उठने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर इदरीस की गवर्नमेंट ने इजराइल का सपोर्ट किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उनका अलायंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था। इस वजह से लीबिया की आम जनता इदरीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और इस चीज से गद्दाफी पूरी तरह से वाकिफ थे, जिसकी वजह से एयर 1969 के दौरान इदरीस जब देश से बाहर दौरे पर जाते हैं, तो गद्दाफी और उनके सपोर्टर इस मौके का फायदा उठाते हुए लीबिया में तख्ता पलट करके लीबिया की सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। और क्योंकि ये वही टाइम था जब दूसरे अरब देश अपनी जमीन से निकले तेल को बेचकर काफी पैसा कमा रहे थे, और गद्दाफी भी उनके देश लीबिया में मौजूद तेल के पोटेंशियल से काफी वाकिफ थे, इसीलिए कर्नल गद्दाफी ने देश भर के सारे ऑयल सोर्सेस को अपने कब्जे में ले लिया। उस टाइम पर लीबिया की ऑयल रिफाइनरीज पर इंटरनेशनल कंपनीज कब्जा करे बैठी थी, और गद्दाफी के सत्ता संभालते ही उन्होंने ऑयल के प्राइसेस पर कंट्रोल करके लीबिया के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया। जिस टाइम पर गद्दाफी ने सत्ता संभाली थी, उस टाइम पर लीबिया में काफी गरीबी हुआ करती थी, और गद्दाफी के ऑयल पे लिए फैसले लीबिया की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होते हैं, और लीबिया की इकोनॉमी दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज की तुलना में ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगती है। इसके अलावा गद्दाफी ने अपने रूल के दौरान ऐसे ऐसे फैसले लिए जो आज तक किसी रूलर ने नहीं लिए। गद्दाफी ने पूरे लीबिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एजुकेशन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से गद्दाफी के रूल से पहले लीबिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 25% था, पर गद्दाफी के सत्ता के दौरान लीबिया का लिटरेसी रेट 87% तक पहुंच गया था। और तो और, गद्दाफी ने वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए अपनी आर्मी में फीमेल सोल्जर्स को अपॉइंट करना तक शुरू किया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि फीमेल सोल्जर ज्यादा लॉयल होती हैं अपनी कंट्री की तरफ। हालांकि काफी लोग ये भी मानते हैं कि गद्दाफी सिर्फ खूबसूरत औरतों को ही मिलिट्री में रखते थे, ताकि वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सके। इसके अलावा गद्दाफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज और दूसरे ऑयल एक्सपोर्टिंग अरब देश के साथ मिलकर एक गोल्ड दिनार लॉन्च करना चाहते थे, पर शायद ही गद्दाफी को यह पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए एक गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल बेचा या खरीदा जाता था, सबकी ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में ही होती थी, और गद्दाफी अपने इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर और यूरो की डोमिनेंस को कम करना चाहते थे। इसीलिए वो एक गोल्ड दिनार, जो कि रियल गोल्ड से बैक्ड होती, उसे लॉन्च करने का फैसला करते हैं। गद्दाफी का ये फैसला वेस्टर्न कंट्रीज की काफी अटेंशन लेता है, इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन गद्दाफी की इस करेंसी का खुल के अपोज करते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर ये करेंसी लॉन्च हो गई तो ये पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की डिमांड को खत्म कर देगी, और इसी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया भर की कंट्रीज की मॉनेटरी पॉलिसी में अपनी नाक भी नहीं घुसेड़ पाएगा। इस फैसले की वजह से ही गद्दाफी अब सारी वेस्टर्न पावर के बीच एक कांटा बन चुके थे, और अमेरिका को कुछ ना कुछ करके इस कांटे को बाहर करना था। हालांकि काफी लोग ये भी मानते हैं कि गद्दाफी शुरुआती दिनों में तो काफी बेहतरीन लीडर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ गद्दाफी की बढ़ती पावर की वजह से ही वो भी करप्ट हो गए,
और वो लीबियन सिविलियन पर जुल्म करने लगे। इसके अलावा कर्नल गद्दाफी पर टेररिज्म को फंड करने तक के आरोप लगाए गए। इसलिए साल 1986 में अमेरिकन मिलिट्री ने लीबिया की मिलिट्री फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दी, क्योंकि उनका ये अनुमान था कि गद्दाफी टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जिसके बाद 21 दिसंबर 1988 पैन अमेरिकन फ्लाइट 103 बोइंग 747 लंदन से न्यूयॉर्क का सफर शुरू करती है, जिसमें 270 पैसेंजर मौजूद थे। लेकिन अपने सफर के दौरान ही इस एयरलाइन में एक ब्लास्ट होता है और सभी 227 पैसेंजर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इस बॉम्बिंग का शक सीधा गद्दाफी पर जाता है और लोग ये समझते हैं कि गद्दाफी ने ये अटैक अमेरिका के द्वारा करे गए मिसाइल के हमले की वजह से किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया लीबिया पर इंटरनेशनल सैंक्शन लगा देती है। और इस बॉम्बिंग के इंस्पेक्शन के बाद साल 1988 में इस इंसिडेंट के एक लौते कन्विक्ट अब्दुल बासित अली मोहम्मद अल मैगराही को पकड़ लिया जाता है, जो कि लीबियन अरब एयरलाइन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे। और पूरी दुनिया भर में गद्दाफी की छवि एक टेररिस्ट लीडर की तरह बन जाती है। साल 2003 में जाकर ही लीबियन गवर्नमेंट उस बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और सभी विक्टिम्स की फैमिली को कंपनसेट करने का फैसला भी करती है। तभी जाकर लीबिया पे लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शन हटाए जाते हैं। लेकिन फिर भी गद्दाफी वेस्टर्न वर्ल्ड की हिट लिस्ट में ही रहते हैं। इसके अलावा कर्नल गद्दाफी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनवाने और दूसरे पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने के भी आरोप लगाए गए। उस टाइम पर सारी इंटरनेशनल सुपर पावर मिलकर न सिर्फ गद्दाफी की छवि को बर्बाद करने में लगी थी, बल्कि लीबिया का माहौल भी पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने गद्दाफी के खिलाफ अब नफरत का बीज बोना हर जगह शुरू कर दिया था। इस वजह से फरवरी 2011 तक लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होने लग जाता है और लीबिया की जनता दो गुटों में बट जाती है। जहां एक तरफ काफी लोग अभी भी गद्दाफी को ही सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गद्दाफी के खिलाफ एक रिबेल ग्रुप खड़ा हो गया था। और ये प्रोटेस्ट ने धीरे धीरे एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल ले ली थी और लीबिया में सिविल वॉर छिड़ जाती है। और मार्च 2011 में नाटो की फोर्सेस लीबिया में छिड़ी इस सिविल वॉर में इंटरवेन करती है और गद्दाफी के खिलाफ खड़े रेबल ग्रुप को न सिर्फ एम्युनिशन प्रोवाइड करती है बल्कि फंड भी करती है। और फाइनली अक्टूबर 2011 में नाटो की आर्मी गद्दाफी की पूरी मिलिट्री फैसिलिटी को तबाह कर देती है। और तो और इस टर्मोइल के बीच ही लीबिया का लीडर गद्दाफी, जिसने 42 सालों तक लीबिया में राज किया था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि गद्दाफी की मौत के बाद भी लीबिया की कंडीशन स्टेबल होने का नाम नहीं लेती, जैसा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्लेम किया था, बल्कि लीबिया की हालत बस से बदतर होने लगती है। इसी वजह से लीबिया में टर्मोइल और बढ़ता जाता है और जहां पर अमेरिका और नाटो फोर्सेज ने गद्दाफी के खिलाफ खड़े रेबल ग्रुप को हथियार सप्लाई करके गद्दाफी का तो खात्मा कर दिया था, लेकिन ये छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स अब टेररिज्म के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनने लगे थे। इसी वजह से आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लीबिया से इमर्ज होना शुरू होते हैं। इसीलिए यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये माना कि लीबिया में इंटरवेन करना उनकी काफी बड़ी गलती थी। As he thinks the intervention went as well as it could have, he views Libya today as a mess. और अमेरिका का लीबिया में इंटरवेन करने की वजह से आज लीबिया एक बहुत बड़ा मेस बन चुका है। तो आपकी क्या राय है कि गद्दाफी एक अच्छा और बेबाक लीडर था या फिर एक टेररिस्ट? लेकिन एक चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गद्दाफी की मौत के बाद सिर्फ अमेरिका का ही फायदा हुआ, क्योंकि आज तक ना तो कोई गोल्ड दिनार बन पाया, बल्कि आज भी पूरी दुनिया में ऑयल की ट्रेडिंग सिर्फ यूएस डॉलर और यूरो में ही करी जाती है। तो आपकी क्या राय है, क्या ये सब कुछ पेट्रोल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ या ये सिर्फ एक इत्तेफाक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।